नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम अपने गार्डन में खिले हुए आपको सभी कलर के फ्लावर दिखाएंगे, गुलाब के, और उनके बारे में कुछ बातें करेंगे, उनके रख रखाव के बारे में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम ये मरून कलर के गुलाब के फूल के साथ में। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये एक बड़े साइज का मरून कलर का फ्लावर खिला हुआ है, और ये हमारा इंग्लिश गुलाब है। और एक बार खिलने के बाद में ये कम से कम 10 से 12 दिन तक लगा ही रहता है प्लांट के ऊपर। और अगला है ये हमारा पिंक कलर का फ्लावर, तो ये भी अभी पूरा नहीं खिला हुआ है। आप देख सकते हैं अभी तो ये काफ़ी बड़ा खिलेगा, और ये भी इंग्लिश गुलाब है, और ये भी अभी है ना पूरा नहीं खिला है। इसके अंदर आपको ये कलियाँ दिख रही होंगी, मतलब कली दिख रही है एक बड़ी सी, तो मतलब ये पूरा नहीं खिला है अभी भी। और दोस्तों, अगला है हमारा ये लेमन कलर का फ्लावर, तो ये भी हमारा इंग्लिश गुलाब ही है और बहुत सुंदर है। तो हमने कई कलर के फ्लावर देखे हैं गुलाब के, लेकिन लेमन कलर नहीं देखा है। तो ये लेमन कलर है, हमारे पास पहली बार ही खिला है। और नर्सरी से जब इस प्लांट को लेके आए थे तो इसमें सिर्फ कली बनी हुई थी, और ये भी नहीं पता था कि कौन से कलर का इसमें फ्लावर आएगा। तो जब खिला है तो लेमन कलर का फ्लावर खिला है, और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इसी के पास ये एक और कली आपको दिख रही होगी, ये कली भी है ना 1-2 दिन में खिल जाएगी। और ये भी ऊपर से तो लेमन कलर की लग रही है, और अंदर से इसमें हल्का सा पिंक कलर भी दिख रहा है, लेकिन है ना खुलने के बाद ही फ्लावर का असली कलर जो होता है वो नज़र आता है, क्योंकि ये है ना ऊपर से कुछ और दिखता है और अंदर कुछ और ही निकलता है कलर। और दोस्तों, ये है हमारा एक देसी गुलाब, और इस ये है बेबी पिंक कलर के फूलों वाला। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर इसमें ढेरों फ्लावर आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं एक ये, 2, 3, 4, 5, 6, और एक ये पीछे 7, मतलब इसमें 7 फ्लावर आए हुए हैं। और ये प्लांट भी है ना काफ़ी बड़ा नहीं है, छोटे ही साइज का है, और ये वाइन वाली वैरायटी है। तो इसको हमने एक डंडी का भी सहारा दे रखा है, क्योंकि इसकी ब्रांच है ना इधर उधर लटक जाती है, जैसे कि ये लटकी पड़ी पड़ी हुई है दूसरे प्लांट के ऊपर। तो ये प्लांट भी बहुत ही सुंदर एक फ्लावरिंग, मतलब फ्लावरिंग प्लांट होता है गुलाब का। और आप गुलाब के प्लांट को देसी वैरायटी को भी लगा सकते हैं और इंग्लिश वैरायटी को भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, जब इस तरह से फ्लावर आने के बाद कंप्लीट हो जाता है तो हमें उसको यहाँ से कट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको कट नहीं करते हैं देसी गुलाब को भी, मतलब देसी गुलाब की ब्रांच को, तो क्या होता है इसमें सीड बनने शुरू हो जाते हैं, और फिर प्लांट अपनी पूरी एनर्जी सीड बनाने के लिए लगा देता है, और फिर इसमें फ्लावर कमाने शुरू हो जाते हैं। और गुलाब के सीड तो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, क्योंकि देसी गुलाब कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। और दोस्तों, अगला प्लांट ये भी हमारा एक इंग्लिश गुलाब ही है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है ये। इसके सेंटर में तो येलो कलर है और बाहर इसके पिंक कलर है, और काफ़ी सुंदर लगता है। और इसको खिले हुए कम से कम 5 से 6 दिन हो गए हैं, और जब ये खिला हुआ था तो इसका ये बाहर वाला एरिया जो है ये पिंक कलर था और अंदर येलो कलर था। और अब जैसे जैसे ये पुराना होता जा रहा है तो इसका ऊपर वाला ये भी एरिया है ना पिंक होता जा रहा है, क्योंकि जब नया नया ये खिला था 1-2 दिन बाद तक भी ये अंदर से येलो कलर ही था, और इसमें एक और ये नई कली भी आई हुई है। और दोस्तों, इसी के पास ये हमारा एक देसी गुलाब है, तो देसी गुलाब में तो ये कलियाँ आई हुई हैं, और एक बार तो फ्लावर आके कंप्लीट भी हो चुके हैं। और इनकी हमने ना थोड़ी थोड़ी सी कटाई छटाई भी कर दी है, क्योंकि कटाई छटाई से ज़्यादा ब्रांच निकलेंगी और फिर उनमें फ्लावर भी ज़्यादा आएंगे। तो यहाँ से हमने इनको सबको कट कर दिया है। और ये एक हमारा ये भी है ना इंग्लिश गुलाब ही है, इसमें भी ये कली आ रही है, और 1-2 दिन में ये भी खिल जाएगा। और दोस्तों, ये लगा हुआ है बटन गुलाब, तो बटन गुलाब में तो बंच में फ्लावर आते हैं, और इसमें तो ना पूरा साल ही फ्लावर आते हैं, और अब भी इसमें छोटे छोटे फ्लावर
फ्लावर आए हुए हैं, और इसी के पास लगा हुआ है ये हमारा एक ऑरेंज कलर का फ्लावरिंग प्लांट गुलाब का, ये भी इंग्लिश गुलाब है, और इसको खिले हुए भी कम से कम 8 से 10 दिन हो गए हैं इस फूल को खिले हुए। और अब तो इसकी पत्तियां भी है ना गिरने लगी है, क्योंकि जब गुलाब के फूल को खिले हुए काफ़ी समय हो जाता है तो उसकी पत्तियां हाथ लगाने से ही गिरने लगती हैं। तो ये फ्लावर कंप्लीट होने वाला है, और ये एक इसी प्लांट में ये बड़े साइज़ की कली भी बनी हुई है। और दोस्तों ये भी एक हमारा मिनिएचर वैरायटी का गुलाब का प्लांट है, और इसमें छोटे छोटे से फ्लावर आए हुए हैं, 3 आए हुए हैं और यहाँ 1 आया हुआ है। और इसी के पास ये हमारा एक इंग्लिश गुलाब है, और इसमें भी है ना पिंक कलर के फ्लावर खिलते हैं। अभी कली तो आपको ना मरून दिख रही होगी, और पता नहीं भाई धूप में कैसी दिखाई दे रही है, लेकिन ये पिंक कलर का फ्लावर आता है इसमें, क्योंकि धूप है ना काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और दोपहर का टाइम है, तो इसलिए वीडियो में शायद अच्छे से इसका कलर नहीं दिख रहा होगा। और दोस्तों इंग्लिश गुलाब में खुशबू नहीं आती है, आती है लेकिन बहुत कम आती है, और जो देसी गुलाब होते हैं देसी गुलाब में तो खुशबू बहुत ही ज़्यादा आती है, और देसी गुलाब कटिंग से आसानी से लग जाता है। और आप भी इस तरह से अगर 10 से 12 प्लांट गुलाब के लगा लेते हैं रंग बिरंगे, मतलब अलग अलग कलर के, जैसे हमने लगाए हुए हैं तो हमारे पास जैसे कि अभी आपको दिखाया है ऑरेंज कलर है, पिंक कलर है, मरून है, वाइट है, और भी कई कलर हमारे पास लगे हुए हैं गुलाब के, तो और इनको एक जगह रख देते हैं तो फिर है ना ये सब एक जगह लगे हुए, और इनके फ्लावर किसी में कोई कलर निकलता है किसी में कोई कलर निकलता है, मतलब अलग अलग कलर के फ्लावर निकलते हैं। तो जैसे ये एक ही जगह 2 कलर के फ्लावर निकले हुए हैं, और ये अलग अलग पॉट में लगे हुए हैं, ये मरून और ये पिंक, और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं ये फ्लावर एक ही जगह लगे हुए। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी अपने गार्डन में गुलाब के प्लांट लगाएं, और इससे हमारे गार्डन में बिल्कुल फूलों की बहार आ जाती है गुलाब लगाने से, और गुलाब तो वैसे भी फूलों का राजा होता है, तो इसलिए गुलाब के प्लांट को लगाना और भी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्ते जी, धन्यवाद।